बहुत मुश्किल ख्वाहिश है ये बेटा। ज़किया कैसे मानेगी? कबीर ने अपना घर बनाया होता तो और बात थी। ग़ाज़ियान सब जितने भी कह रहे हैं घर जाते, मगर ये जो तर्स और हमदर्दी का बैंडेज है ये जख्म छील देता है। लेकिन मेरे लिए निमरा कबीर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो अच्छी बात है, फिर तो हमें मिलना चाहिए। कहीं बाहर मिलते, इतना करीबी रिश्ता है, कॉफी तो बनती है। निमरा की शादी उसके घर से होगी, ये मेरा फैसला। कौन सा घर कबीर खान? तुम तो खाना बदोशों की तरह आज यहाँ कल वहां, अब अपने घर से रुखसत करने आ गए। मेरा तो आपसे बात करने को दिल ही नहीं चाहता। क्या बात करूं आपसे, क्या कहूं, ये समझ में ये नहीं आता। लोग औलाद पैदा ही क्यों करते हैं? मैंने तो हमेशा रिश्ते बचाने की कोशिश की है। कैसे सच मान? सालों मैंने आपकी शक्ल तक नहीं देखी। अनस भाई को तो आपने अपने पास बुला लिया, मेरा क्या कसूर था? क्या मुझे बाप की जरूरत नहीं थी? मुझे आपसे मिला ही क्या? सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में बाप का नाम और बस। अपने बाबा को माफ नहीं करोगे? मैं तुम्हारे सारे शिकवे दूर कर दूंगा, मुझे एक मौका तो दोगे ना? आपको याद भी है मैंने पहली बार बचपन में आपको किस नाम से पुकारा? ऐसी बातें कौन भूलता है? सुनो, इतना गुस्सा करोगे चेहरे पे लाइने पड़ जाएंगी। आज तुमने अपने बाबा का इतना सारा मान रखा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको माफ कर दिया, मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहती हूँ। मामा कहती है अगर लड़की का मायका मजबूत हो उसकी ससुराल में भी इज्जत होती है। मेरी बेटी बहुत समझदार है और तुम्हारा मायका बहुत मजबूत है। तुम दो भाइयों की अकलौती बहन हो। ग़ाज़ियान को बहुत संभल के चलना पड़ेगा। अल्तमश कभी ऐसा भाई जिसकी मैंने कभी शक्ल तक नहीं देखी। अनोखे रिश्ते दिए आपने मुझे जिंदगी। कितने शिकवे है मेरी बेटी को। अब जाए, खुद ही आ जाऊं। मैं अकेला नीचे नहीं जाऊंगा, तुम्हारी मामा है नीचे। आओ ना। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन माफ कोई कोई करता है। अगर तू बीच में ना होता ना तो ये रिश्ता कब का टूट चुका होता। लेकिन मैंने माफ नहीं किया, किसी खुशफहमी में ना रहना। ज़किया के दिल को तो मैं नहीं समझ सका, लेकिन मुझे पता है कि इस दिल में मैं रहता हूं। यहां क्या चल रहा है सब जानता हूं। जब ये कभी चलना बंद हो गया ना तो फिर दर बदर हो जाओगे।
बेहतर है कोई मुस्तकिल ठिकाना ढूंढ लो। तो आगे पीछे आखिरी ठिकाना बना लेंगे ना, इसमें मुश्किल क्या है? मिल गया सुकून, बाप के सामने माँ की बेइज्जती कर ली जी भर के, खुश हो आप? जाना चाहते हो? अभी के अभी जाओ, सारा सामान मैंने तुम्हारा पैक कर दिया, कोई चीज भूल के मत जाना, अभी जाओ। मामा आपने मेरा सामान क्यों पैक किया? मैं वहां हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं वापस आऊंगी यहाँ पर। कोई जरूरत नहीं है, बाप के पास ही रहो, मत आओ यहाँ पे। तुम दोनों की नजरों में मेरी क्या अहमियत है ये मुझे अच्छी तरह पता चल गया। बुलाओ अपने भाई अनस को भी, बुलाओ उसको भी, यहाँ से जाना होगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है मुझे। कहा था तुम्हारा बाप जब तुम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, अब मैंने पाल पोस के तुम लोगों को बड़ा कर दिया, तो वो हमदर्द बन के आ गया तुम लोगों के पास, बाप बन गया तुम लोगों का। मामाजान क्या हो गया आपको, क्यों इतना गुस्सा हो रही है? सही तो कह रही निम्रा, खुद ही सोच, अगर एक ही घर में दो इवेंट हो जाते क्या मजा। क्यों सही कह रहे हो ना गजान, बताओ ना। वो अनस ठीक ही तो कह रहे हैं, आप प्लीज जरा सोचिए, और इसमें निम्रा का क्या कसूर है? ये तो मेरी ख्वाहिश थी। तुम्हें ये सब कुछ गुलजेब नहीं कहा होगा, है ना? उसे यहाँ शादी पे किसने आने देना था, जब भी तुम अम्मा दूल्हा बन के जा रहे हो। इतना सब कुछ तो मैंने सोचा ही नहीं था पप्पू, मेरी शादी पे सबका होना बहुत जरूरी था, ये सब कैसे होता? अच्छा छोड़िए, निम्रा के वहां जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फाइनली उसने लौट कर यहीं तो आना है। मेरी एक बात तुम लोग कान खोल के सुन लो, मैं वहां हरगिज नहीं आऊंगी। मैं वो घर छोड़ आई थी, सोच छोड़ आई थी, मुझे वापस मुड़ के देखने की आदत नहीं। थैंक्स। तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो? थोड़े दिनों के लिए तुम्हारी शक्ल जो नहीं देखनी पड़ेगी, और फिर हमेशा एक ही शक्ल देखनी पड़ेगी, उन दिनों का सोच मेरे भाई। और वैसे तेरे पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है ना? आजा बैठ जा। जान बची सो लाखों पाए, बैठो। लेकिन मामू जान आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मुझे लगा अम्मा को अच्छा लगेगा, क्यों ऐसे भी निम्रा तो अपने घर ही गई थी, इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत थी? हाँ, मैं तो समझा था कि आज छोटी मोटी कयामत आई जाएगी, वो तो शुक्र है गाजियान ने सब कुछ संभाल लिया। मामू जान परेशान मत हो, मैं आ गया हूं ना, मामा भी समझ जाएंगी, मैं और गाजियान मिलकर उनकी सोच बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। अनस, अनस बेटा, इस घर में बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन धीरे धीरे। असल में जकिया चाहती है कि इस घर में जो कुछ हो उसकी मर्जी से हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। अब बच्चे जो हैं वो उनकी अपनी मर्जी है, वो जो करेंगे हम उसमें कुछ दखल नहीं दे सकते। अब ये आप लोगों का जमाना है, हमारा जमाना गुजर चुका है, लेकिन तुम्हारी माँ जो है जकिया, वो आज के जमाने में ही रह रही है। मामू सुन लेंगे हम। भाईजान को तो एक पल का चैन नहीं है, घर के कामों में लगे हुए,
बरसों बाद इस घर में कोई खुशी का दिन आ रहा है। बस अब बेटा तुम्हारा इंतजार है, तुम आ जाओ तो हम सबकी खुशी मुकम्मल हो जाएगी। ये बिल्कुल आपकी बातों ने मुझे इतनी खुशी दी है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। मैं समझ रहा था अब तक मुझे सब आप भूल चुके होंगे। बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं बहुत जल्द आप सबसे मिलने आऊंगा। आई प्रॉमिस। हम बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं अल्तमश, खैर से आओ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा। इंसानों की समझ ही नहीं है, या फिर तुम जानबूझकर गाजियान को इग्नोर कर देती हो। हैरत है तुम्हें गाजियान का प्यार कभी समझ नहीं आया। वो प्यार तुम्हारे लिए था निम्रा, मुझे कैसे समझ आता है। कभी कभी जो चीजें हमारे पास होती हैं वो हमें नजर नहीं आती, लेकिन जब मंजर बदल जाए या देखने का अंदाज, वही चीजें हमें अपने आसपास मिल जाए। जो चीजें महसूस करने की हो वो नजर ना भी आए तो आसपास ही होती है। अच्छा ये बताओ, आज़ियान को पहली बार तुम कब अच्छी लगी थी? हम यहाँ आज़ियान की बातें करने आए हैं, हम अपनी बातें भी तो कर सकते हैं। तुमने खुद ही तो कहा था हमारा बहुत करीबी रिश्ता है। अच्छा तो चलो, इसी करीबी रिश्ते के नाते मैं तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट करती हूँ। मेरी शादी में आओगी ना? ये तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो या गाजियान को आजमाने की कोशिश कर रही हो? नहीं, दोनों नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी शादी को यादगार बनाऊं। मैं अपनी शादी में उन सब लोगों को बुलाऊं जिनसे कभी ना कभी हमारा कोई ना कोई डिस्प्यूट रहा है। वेरी सिंपल यार, मैं टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना चाहती हूँ। बहुत पॉजिटिव सोचती हो तुम, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन शायद ज़किया मामी को अच्छा ना लगे। ज़ुबैरिया, मामा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मामा को वो सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। तुम उनकी फिक्र मत करो, और तुम्हें वैसे भी मैं इनवाइट कर रही हूँ। यार तुम्हें तो मेरी ब्राइडमेड होना चाहिए, इतना हक तो बनता है मेरा। मैं पूरी कोशिश करूंगी, जो ट्रस्ट तुमने मुझ पे किया है उस पे पूरा उतरने की। वरना जो ज़किया मामी ने उस दिन मेरे साथ किया है, उस दिन के बाद तो मैंने सारे रिश्ते अपने दिल से निकाल दिए। सोच का फर्क है, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते लेकिन खुद को ठीक कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहिए मुझे ऐसा साथ गाजियान जो मुझे अपनों से ही दूर कर दे। ये सारी जिंदगी नहीं सुन सकती ताने निम्रा के और ज़किया मामी। आप प्लीज निम्रा से शादी कर लें, ये मेरी ख्वाहिश है। कहीं तुम खो ना
जहां रह जाके तुझको ही है पाना कहीं तुम इस शादी में जाने का प्रोग्राम तो नहीं बना रही? नहीं। चलो शुक्र है, कोई तो अकल की बात की तुमने। वैसे तुम्हारी कजन क्यों आई थी तुमसे मिलने? अब तो वही हो रहा है जो वो चाहती थी, फिर क्या तकलीफ है उसे? तकलीफ तो होती है फिर। शेयरिंग कोई आसान काम नहीं। प्लीज लाइट बंद कर दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। 8 बजे तुम्हें नींद आने लगी है? मैंने तो सुना था मोहब्बत में नींदें उड़ जाती हैं। मोहब्बत होती तो बात होती, अब बिला वजह मेरी नींदें उड़ने से रही। बिला वजह 8 बजे नींद आने की भी कोई तुक नहीं। बेवजह बेसबब बहुत कुछ होता है इस दुनिया में। अब प्लीज लाइट ऑफ कर दो, तुम भी आके सो जाओ। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझने लगे हैं। बड़ों की इज्जत का, उनकी आबरू का कुछ एहसास ही नहीं है। क्या आप तो गाजियान वारिस आफरीदी 2 लाख रुपए हक मेहर केवल अपने निकाह में कबूल है? ये भी गुल, मुझे इसका साथ चाहिए था। याद नहीं, आपको पता है यादों का दर्द कितना तकलीफ देता होता है, ना जीने देता है ना मरने देता है। मुझे सब पता है, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है यादों का दर्द। ये भी गुल, आपका गाजियान रोज टूट रहा है। कर रहा है, लेकिन एक नया गाजियान भी तो जन्म ले रहा है, सबकी परवाह करने वाला, टूटे रिश्तों को जोड़ने वाला, दूसरों की खुशियों पर अपनी चाहत निछावर करने वाला। ये वाला गाजियान कितना अच्छा है। सबके लिए अच्छा हूं, लेकिन उसके लिए अच्छा नहीं हूं। क्यों बीबी गुल, क्यों? वो बहुत बुजदिल है, वो डर गई है फुप्पो की बातों से। अगर वो बुजदिल ना होती तो आज मेरे साथ होती। बीबी गुल, बातों से क्या होता है, आप ही मुझे बताएं कि आजकल के जमाने में बातों को सीरियस कौन लेता है? हर जमाने में बातों को सीरियसली लेना चाहिए। ये बातें तो होती हैं जिनका जहर रूह में उतर जाता है। मैं साथ होता बीबी गुल, हर पल हर जगह उसके साथ, तो फिर क्या मुश्किल होती? मिलकर सह ले तो। वो अब भी मान जाए बीबी गुल, तो मैं पीछे पलट के नहीं देखूंगा। नहीं गाजियान, ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ऐसी बातों से इज्जतदार घरानों में मौत हो जाती है। बस जो हो गया
उस पर सबर करने की कोशिश करो। जब नई जिंदगी में कदम रखोगे तो बहुत कुछ भूल जाएगा, कुछ खुद कोशिश करके भुला देना। मैं चलता हूं। सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रुको गाजियान, निमरा से नहीं मिलोगे? वो अपने कमरे में। नहीं भी बिल्कुल। तो बेटा फिर आए किस लिए थे तुम इस वक्त? कोई काम था क्या? कल तुमने निकाह के लिए तो आना ही था, तो फिर इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? उसे याद करने आया था दीदी जी, एक आखिरी बार। आज के बाद उसको याद नहीं करूं। आप वो मुझे भूल के दिखाए। रशीदा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बहुत सी चीज़ें हैं जो समेटनी हैं। एक कप चाय मुझे भी पिला दे भाई, थोड़ी सी शक्कर डाल देना। फीकी चाय पीते पीते तो जैसे ज़िंदगी से सारी मिठास निकल गई। ये थोड़ी शक्कर वाला आइडिया बुरा नहीं है। मेरे पास भी एक ऐसा ही आइडिया है। क्या ख्याल है बेटिया, आज सब चलकर निम्रा को सरप्राइज ना दे? आप लोगों को तो आज जाना ही होगा क्योंकि आज निकाह है, लेकिन मेरी जगह सबा को दे जाइए, वो इस घर की बड़ी बहू है। लेकिन क्यों ज़किया? आज हमारी बच्चों की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। कितना इंतजार किया था तुमने इस दिन का, फिर भी? जानती हूँ, बड़ी मुश्किल से आया है ये दिन, मगर भाईजान मेरा वहां जाना बनता नहीं। वो घर मेरे बच्चों के बाप का है और मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन ज़किया, वो तुम्हारा भी तो घर है। जाने दो भाईजान। कहाँ भी था, कम शक्कर डालना, मीठी जहर कर दी है। और बना के दे। जी मैं दूसरी बना देती हूँ। ज़किया, ये तुमने अपनी जिंदगी में इतनी कड़वाहट क्यों खोल रखी है? काश तुम अपना मिजाज बदल सकती, तुम्हारे आसपास खुशियां खुशियां होती।
बड़ा खूबसूरत कार्ड है ये। ग़ाज़ियान, अरे ये तो उसी लड़की की शादी है ना, वो जो उस दिन सुबह सुबह हमारे घर आया था। कौन लेके गया ये कार्ड? और बड़ी जल्दी शादी हो रही है उसकी। भाई गुलजेब आई थी, बहुत इसरार करके गई हैं शिरकत के लिए, उनके अपने ही खानदान में शादी हो रही है। ओह अच्छा अच्छा, यहाँ पर तो ये मेहंदी का कार्ड भी है, बड़े लोग हैं, उनकी मेहंदी का फंक्शन भी बड़ा ग्रैंड होगा, हम चलेंगे ना? बेटा आप जम से चली जाइएगा, मेरा तो आपको पता है हिलना जुलना मुश्किल है। मगर जमशेद तो दो दिन के लिए लाहौर चले गए, और जब तक वो वापस आएंगे तब तक तो शादी भी ख़त्म हो जाएगी, जुबारिया भी नहीं है यहाँ पर। चलें छोड़ें, फिर जाना इतना ज़रूरी तो नहीं है। नहीं नहीं हम चलेंगे, गुलज़ेब बहन की मेरी ज़िंदगी पर बहुत एहसानात हैं, मैं उनकी शादी में उनके घर की खुशी में शिरकत करूँगा, यकीनन करूँगा। आप तैयारी कीजिए, हम चलेंगे इंशाल्लाह। मैं मैनेज कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है, सही है। बहुत बुरे हैं आप, आपकी फैमिली का फंक्शन है और मैं अकेले जा रही हूँ। आप आ सकते थे वैसे एक दिन के लिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, हम आपके फैमिली फंक्शन में एक साथ भी जा सकते थे। बहुत मिस कर रही हूँ आज मैं आपको। वैसे डॉक्टर साहब जो कहानी आपने मुझे सुनाई ना वहाँ की, बेहतर है कि मैं वहाँ नहीं हूँ, कोई अच्छा वक्त ढूंढने की फिर आऊंगा। किधर हैं आप? मुझे लगता है आपकी स्टेप मदर वो वक्त आने नहीं देंगी, काफी कॉम्प्लिकेटेड खातून, दूर दूर से सिर्फ मुझे देखती रहती हैं, कुछ कहती नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, हर वायरस का एक एंटीबॉडी जरूर होता है। देखते हैं कब तक आपको सिर्फ देखने में गुजारा करती हैं। अब वैसे भी सच तो है कि आपको देख के खुश बहुत होती हूँ। खूबसूरत संगीन और जबरदस्त डॉटर बहुत कम लोगों को मिलती है। वैसे मुझे लगता है वो वाकई आपकी कुछ लगती है, जिंदगी से दूर, सो रूड। एक्सक्यूज मी, जिंदगी से दूर और मैं, और रूड तो मैं हरगिज नहीं, खासतौर में आपके साथ हैं थोड़े से। अब देखिए मैं इतना तैयार होकर आपके सामने बैठी हूँ, आपने एक भी अच्छी बात नहीं की, क्या फायदा इतनी तैयारी का? वो एक्चुअली बात यह है कि आप रोज इतनी खूबसूरत लगती हैं कि बाबा का तो बात पुरानी हो जाएगी ना, इसलिए कुछ नहीं कहा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप कह दें, कभी कभार सुन के अच्छा। वैसे वो जो आपका कजन नहीं है ग़ाज़ियान, उससे दो तीन क्लासेस ले, काफी रोमांटिक है। उसके लिए मैंने एक रिस्ट वॉच खरीदी और निमरा के लिए गोल्ड चेन। ठीक है ठीक, ऐसा करो उनको हमारी तरफ से एक हनीमून पैकेज भी दे दो, जहाँ वो दोनों जाना चाहें। और वैसे डॉक्टर साहब, अगर आप हॉस्पिटल से छुट्टी ले लें तो आपके लिए भी हनीमून ऑफर ओपन है अभी तक। डन, ओके, आई कैच अप विद यू लेटर। ओके बाय बाय। अरे तो कौन साहब के बच्चे हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, थैंक यू सो मच। आज आ जाओ, आज अंदर जाओ। सलाम, आ जाओ, स्वागत स्वागत। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, थैंक यू। जो दोस्ती का हक अदा कर दिया, सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खुशी मिली, और ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। और तुम सिर्फ दोस्ती का इम्तिहान लेना जानते हो, तुम्हारी वजह से हमेशा मैं जलील होता हूं। अब नहीं होगा, इन बच्चों ने जीने का ढंग सिखा दिया मुझे।
अजनबी है कभी जागती सी रातें बेतुकी सी सारी दिल बहलाने वाली बातें कुछ नहीं आपको गाजियान वारस आफरीदी 2 लाख रुपए हक मेहर केवल अपने निकाह में कबूल है? नहीं। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। मुझे गाजियान वारिस कबूल नहीं है। बहुत मुश्किल थी इस तरह की जिंदगी, इतनी मुश्किल कि मैं सांस लेना भी भूल जाती। पूरी जिंदगी आपकी तरह खुद को ढूंढती ही रहती। गाजियान ने मुझसे वादा किया तो तुम्हें खुश रखे। बाबा, खुशी किस्मत से मिलती है, वादों से नहीं। वो अपना वादा निभा रहा था, उसने इनकार कब किया? लेकिन अब भी वो अपने वादे की कैद में था। मुझे उसके दिल में जगह चाहिए थी। सिर्फ नाम मिल जाने से क्या होता है? ये फैसला कौन सा आसान था?
तुमने सारी जिंदगी का रोना लिख दिया अपना। तुम्हारी ये तकलीफ कैसे सहूंगा मैं? नहीं, ये रोना बस आज के दिन तक का था, अब मैं नहीं रोऊंगी, कभी भी नहीं। आप देखिएगा मामा, अब आप मुझे रोता हुआ नहीं देखेंगे। कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, भैया आपकी पानी पीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझने लगे हैं। बड़ों की इज्जत का, उनकी आबरू का कुछ एहसास ही नहीं है। अब ये जो कुछ हुआ है ये क्या है? लोग क्या क्या कहानियां बनाएंगे हमारे मुतालिक, क्या कुछ कहेंगे हमारे खानदान के बारे में। सब ग़ज़ियान की वजह से हुआ। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, इंशाल्लाह हम सब के हक में बेहतर होगा। अब मैं ज़किया को क्या जवाब दूंगा? उसे पता चलेगा तो वो तो हंगामा खड़ा कर देगी। हम सब मिलजुल कर उसे समझाएंगे, मान जाएगी वो। उसका बेटा कमाल जिद्दी है, मना लेगा वो अपनी माँ को। आप थोड़ा सा पानी पी लें प्लीज। नहीं, मुझे प्यास नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ प्लीज जाइए। जब हम कोई फैसला खुद करते हैं ना बाबा, तो फिर उसकी तकलीफ उसका दुख झेलना इतना मुश्किल नहीं होता। शायद हम कोई फैसला करते ही तब है जब हमें सबर आ चुका होता। आपकी हेल्प चाहिए बाबा, ये सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, इस दर्द से बाहर निकलना चाहती हूँ। बताइए करेंगे ना मेरी मदद? निमरा को कुछ नहीं कहेंगे आप, उसका कोई कसूर नहीं है, पहल ग़ाज़ियान ने की थी, और ये सब जो हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ ग़ाज़ियान है। दिन हो या रात, आपको अपनी जिद मनवानी होती? आपको क्या लगता है हर कोई यहाँ आपकी मानेगा? ना मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ ना ही कुछ सुनना चाहती हूँ, मजाक बना दिया आपने मेरी जिंदगी। मामा अब हम इस घर में ज़ुबारिया को रुख्सत करवा कर लाएंगे, जब आपकी मर्जी होगी तब। निमरा कैसी हुई है ये दुनिया पर आई, सुनता नहीं है कोई दूं क्या दुहाई, आमे ना आमे ढोला मैं ते मर गईया, देंदिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला।